फिर ECAT के हवाले से मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें आज लास्ट लेक्चर है हमारा जो कि है होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स। यानी आज हम देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और हम उनको किस तरह से डील करते हैं। इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जो है एम्फेसिस करूं, चूंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी जस्ट टू सेव योर टाइम या अवॉइड योर टाइम, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा ताकि आप उनको याद करने में आपको आसानी हो, ठीक है। यानी आपको थोड़ी चीजें मेमोराइज करनी होंगी ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। एमसीक्यूज हम इसमें इतने ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, बट मेरी कोशिश ये होगी कि हम जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर या इसके जो शॉर्टकट जो वेज हैं उनके ऊपर हम बात करें, उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एमसीक्यू है यहाँ पे जो कि जी द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल जीरो और कोइंसिडेंस इफ ए प्लस बी इक्वल जीरो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो एच स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल जीरो या नन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात है कि हमें क्रैमिंग जो है वो चाहिए। वी नो दैट कि कंडीशन क्या है, आई वुड गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको आपने बुक्स में भी ये चीज पढ़ रखी है, ऑप्शन नंबर बी इज विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बी को सेलेक्ट करता हूँ। अब क्वेश्चन ये कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो ये क्या है, क्योंकि आपने बुक्स में ये इक्वेशन भी पढ़ रखी है जिसको मैं भी ऑन स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई टू एच एक्स वाई, ठीक है, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स और प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन भी आपने जो है वो पढ़ रखी है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये बात भी होगी कि ये इक्वेशन कहां से आई है, ये इक्वेशन किस तरह किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल गॉट टू लाइंस, ठीक है, एल वन एंड एल टू, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एल वन एंड एल टू, ठीक है, लेट मी एल वन, लेट से एल वन जो है वो इज इक्वल टू है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और एल टू जो है एंड दैट्स इक्वल टू जीरो, दैट्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एल टू जो है वो है जी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें दोनों को मल्टीप्लाई कराएं एल वन टाइम्स एल टू, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो ऑब्वियसली ए वन ए वन इन टू ए टू ये बन जाएगा ए वन ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराएं, इससे मल्टीप्लाई कराएं, फिर इसको इससे कराएं, इसको इससे कराएं अगेन एंड देन सी को भी सबसे, सॉरी सी को भी बारी बारी सबसे कराएं, ठीक है, मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म विद सेकंड टर्म विद थर्ड टर्म, आपके पास जो टर्म्स आएंगी एक आएगी विद एक्स स्क्वायर एक आएगी एक्स वाई। जैसे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए आपके पास जो टर्म आ रही है विद एक्स वाई विद एक्स वाई, फिर आप अगर आप इसको आपके पास वाई स्क्वायर वाली भी आएगी अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए वाई स्क्वायर वाली भी आ रही है, ठीक है, विद सिंपल एक्स भी आएगी अगर आप सिंपल इसको सी वन से मल्टीप्लाई करते हैं विद सिंपल एक्स आ रही है, इसको सी वन से मल्टीप्लाई करते सिंपल वाई आ रही है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कॉन्स्टेंट आ रही है। तो एक गट आइडिया कि हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखे, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखे। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यहां से मैं ये सब चीज रिमूव कर देता हूं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या है, यहाँ पे टू है, इसमें भी टर्म की डिग्री टू है, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे डिग्री टू है, तो हाईएस्ट पावर जो होती है दैट्स कॉल्ड द डिग्री, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। अब जिस तरह के भी आपको एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, हमारे पास आप अगर आप पास पेपर उठा के देखें तो बहुत तरह के एमसीक्यूज आपको पास मौजूद है। यहाँ पे एक चीज होती है दैट्स कॉल्ड डेल, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डेल। डेल बेसिकली किसके इक्वल है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, यानी एक ऑपरेटर है डेल किसके इक्वल है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब ये ए बी इसमें जो 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 कोफिशिएंट यूज हुए हैं वो क्या है, टू ए है एच है, ठीक है, यानी टू एच है बी है टू जी है टू एफ है। आप किसी भी जो ज्वाइंट इक्वेशन होगी हमारे पास, हम ज्वाइंट इक्वेशन के साथ इस
इक्वेशन को कंपेयर करके इस कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ए एच जी और एच बी एफ, इसी तरह से जी एफ सी, इस तरतीब में हम कांस्टेंट को पुट करें। अगर आप देखें तो एक सिमेट्री है, ए सी एन पे आते हैं, डायगोनल्स के ऊपर है, यहां पे एच है, यहां पे एफ है, यहां पे जी है, और मिडिल में भी है, तो बेसिकली मिडिल में एबीसी कांस्टेंट है, बाकी एच एच जी जी एन एफ एफ आते हैं, ठीक है। सो दिस इज सो इजी टू क्रैम मेमोराइज। अब देखें ये मैं क्यों, ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो ज्वाइंट इक्वेशन है, ज्वाइंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास दो, यानी ये जो सॉरी ये होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होमोजीनियस है, ये इक्वेशन दो ज्वाइंट इक्वेशन, यानी दो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती है, ठीक है। ये सर्कल के, सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये एलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। अब आपको इस बात का आइडिया तो जरूर हो गया कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज आएंगे वो आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, और आपको बताया जाएगा, बताएं जी ये एलिप्स की इक्वेशन है या हाइपरबोला की है या सर्कल की है। तो इसलिए मैं ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बजाय मैं आपको इसी के बारे में आइडिया दे देता हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी किस तरह से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, ये हाइपरबोला है, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। उसके लिए डेल को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें सबसे पहली कंडीशन कि ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस कब होगी, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस बाहर निकल गया स्क्रीन से, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा डाल देता हूं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस ये कब होगी, स्ट्रेट लाइंस आपने अगर तो देखिए, अगर तो डेल आपका जीरो आ जाए, ठीक है, अगर डेल आपका जीरो आ जाए और एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ए बी, ठीक है, दो कंडीशंस हैं एंड ये दोनों जस्टिफाई होने चाहिए, यानी जब आप एक अन को जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये फाइंड आउट करें, इनका डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर, यानी अगर आप एच जो भी है उसका स्क्वायर लें और ए और बी को मल्टीप्लाई कराएं, अगर एच स्क्वायर ए और बी के इक्वल हो या एच स्क्वायर ए और बी से ग्रेटर हो, तो इसका मतलब है जो ये होमोजीनियस इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है, नंबर वन कंडीशन। अच्छा अब नेक्स्ट इज कि ये जो है सर्कल कब होगी, व्हेन इट गोइंग टू बी अ सर्कल, पार्ट मतलब जो सेकंड कंडीशन है, व्हेन इट गोइंग टू बी अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ये उस केस में होगी When delta is not equal to zero, ठीक है, delta जो है वो zero के equal नहीं होगा, ठीक है, यानी determinant जो आप find out करेंगे वो zero के equal नहीं होना चाहिए, it could be anything, positive, negative हो जाए, लेकिन zero के equal ना हो, और a and b जो constants हैं a and b, they has not to be equal to zero, ठीक है, ठीक है, वो zero के equal नहीं होने चाहिए, ठीक है, h is equal to zero हो, h is equal to 0 हो, and g square plus f square minus ab that should be greater or equal to 0, ये अगर condition ये justify कर satisfy करती है ये homogeneous equation, तो ये एक circle को represent करी है। अब मैंने बात की, देखें a b जो है वो 0 के equal नहीं हो सकता, तो we know that कि इसकी जो general equation होती है circle क्या होती है, x square plus y square is equal to r square, ये generally equation of circle है जो simplified form है, जो simple form है। तो देखें अगर a और b zero होगा तो definitely x square और y square वाला element ही cancel out हो जाएगा, तो इसका मतलब है पहली condition, तो ये that makes sense, इसका मतलब सिर्फ आप आंखें बंद करके cram नहीं करेंगे, ठीक है, a and b जो है दोनों equal to zero नहीं होने चाहिए, ठीक है, h जो है can be equal to zero, h जो है वो zero के equal होगा, determinant zero के equal नहीं होना चाहिए, g square plus f square minus ab greater or equal to zero होना चाहिए, ठीक है, then it will be a circle. इसी तरह से number three condition, when it's going to be a parabola, when it is going to be a parabola, अब parabola होने के लिए जो condition है वो क्या है, del is not equal to zero but h square जो है वो equal to ab होना चाहिए, h square equal to ab होना चाहिए, then it will be a parabola, ठीक है। अब अगर आप स्टार्ट में एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन था द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर कोइंसिडेंस, इफ
अब देखें ये एक डिफरेंट स्टोरी है, ये डिफरेंट स्टोरी है। हालांकि अगर आप जो हमने मैंने आंसर पिक किया एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, अगर आप इसमें देखें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मतलब है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो होगा, बट दैट्स नॉट द केस वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी मैं उस केस की तरफ आऊंगा जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, उसकी तरफ भी हम आएंगे। अच्छा, देन इट विल बी अ पैराबोला। इसी तरह से फॉर फोर, व्हेन इट्स गोइंग टू बी एन एलिप्स, एलिप्स कब होगा, एलिप्स के लिए जो है अगेन डेल जो है ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू बी जीरो, और एच स्क्वायर जो है दैट शुड बी लेस देन ए बी, एच स्क्वायर जो है वो ए बी से लेस होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से फॉर द फाइव, मैं अभी क्विकली इसको लिख दूंगा, फॉर द फाइव केस, फिफ्थ केस ये बनेगा जी, अगर डेल हैज नॉट टू बी इक्वल टू जीरो, आई मीन किस केस के लिए, ऑब्वियसली लास्ट जो हमारे पास बच्चा वो क्या है, हाइपरबोला, यानी व्हेन दिस इक्वेशन वुड रिप्रेजेंट हाइपरबोला, तो वो केस होगा जी जब एच स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ए बी हो जाए एंड डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। तो अब देखिए इस एक्सप्लेनेशन के अंदर आप बहुत सारे एमसीक्यूज को आंसर कर गए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज को आप बहुत इजिली आंसर कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज के अगर ये इक्वेशन इतनी लेंथी है, फॉर एग्जांपल दिस इज द जॉइंट इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, देन वेयर डज दिस इक्वेशन कम फ्रॉम, ये इक्वेशन कहां से है जिसमें आपके ये वाली जो टर्म्स हैं, यानी लास्ट थ्री जो टर्म्स ऑफ द इक्वेशन है वो एलिमिनेट, वो खत्म हो गई है, वो निकल गई है, तो ये कैसे आई है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, वी नो दैट कि अगर हम जो इक्वेशन हमने लाइंस ली थी, ठीक है, लाइंस हमारे पास क्या थी, एल वन एंड एल टू, ठीक है, जिसने बात की थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई। अब ये है व्हेन द लाइंस आर नॉट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जब लाइन ओरिजिन से पास करेंगे तो सी वन जो है दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो, सी वन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं सिर्फ लिखूंगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ठीक है, एंड एल टू हो जाएगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो है वो स्टोरी डिफरेंट होगी, ठीक है। आई मीन टू से लाइक अगर इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगी, यानी अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखूंगा तो y इज इक्वल टू एम वन एक्स, ठीक है, और y इज इक्वल टू एम टू एक्स, अब अगर आप y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू जीरो करें एंड y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो करें और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब इनकी जॉइंट इक्वेशन फाइनल करें, फॉर दोज लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, फॉर दोज लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइक ये ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये जो लाइन्स ओरिजिन से पास करते हैं उनकी जॉइंट इक्वेशन की अगर बात की जाए और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो विल कम अप विद दिस थिंग, y स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई, और इसी तरह प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि लास्ट थ्री टर्म्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी, तो वी आर लेफ्ट विद, ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएंगे y square, ax square, ठीक है, यानी अगर मैं x square वाली टर्म को पहले लिखूं तो बन जाएगा ax square, ठीक है, प्लस 2hxy, ठीक है, which is xy term, ये x square है और ये y square term, प्लस by square is equal to zero, ठीक है। अब ये joint equation है, I mean ये homogeneous equation है when the lines are passing through the origin, joint equation of the line, ठीक है, when the lines are passing through the origin, ये special case बन गया उसका, ठीक है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो इसके लिए अगर आप इसको simplify करते हैं, तो हमारे पास जो दो तरह के इक्वेशन आएंगी, ठीक है, दो तरह की इक्वेशन आएंगी, एक आ जाएगी बी वाई प्लस एच एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, दो लाइन्स आएंगी, बिकॉज अगर आप बिकॉज ये जॉइंट इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वापस दो लाइन्स आ जाएंगी, और दूसरी आ जाएगी बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब है व्हाट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कौन सी चीज आइडेंटिफाई करेगी इन लाइंस की नेचर को, इट मींस एच स्क्वायर माइनस ए बी, विल डिटरमिन के लाइंस जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, लाइंस ओवरलैपिंग है या कोइंसिडेंस है, या लाइंस जो है वो इमेजिनरी है, अब अगर इस केस में अगर आप देखें तो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, वो क्या है जी कि अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी, चूंकि देखें यही
जो चीज है वो डिटरमिन करेगी, एच स्क्वेयर माइनस ए बी जो है, अगर यानी एच स्क्वेयर एंड ए बी, चलो इसका यूं लेते हैं ठीक है, एच स्क्वेयर, अगर एच स्क्वेयर इज ग्रेटर देन ए बी हो जाए, इसका मतलब है कि दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब लाइंस होंगी वो रियल होंगी, रियल होंगी एंड एंड डिस्टिंक्ट होंगी, एंड डिस्टिंक्ट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी ठीक है, ये कंडीशन आपने इसको डिस्टिंक्ट होंगी। इसी तरह से अगर एच स्क्वायर, ये केस नंबर वन है, केस नंबर टू इज अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो देन ये ऑब्वियसली दिस टर्म हैज टू बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब लाइन जो है वो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो जाएगी, सॉरी नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इज नॉट अ राइट वर्ड, मैं बात पहले भी यूज किया, दैट मीन्स द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस ठीक है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अब अगर आप देखें तो ए स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, अब दिस इज द केस, अगर आप स्टार्ट पे जाएं तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा यही था जो मैंने बात की थी, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यही होगी विच इज ए स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन द लाइन्स आर कोइंसिडेंस, देन द टू लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगी, आपस में कोइंसिडेंस होंगी ठीक है। और इसी तरह से थर्ड केस भी हम देख लेते हैं, अगर आपके पास एमसीक्यू इस तरह से आ जाए, थर्ड केस क्या है जी, कि अगर ए स्क्वेयर इज लेस देन ए बी तो ऑब्वियसली स्क्वेयर रूट में जो नेगेटिव नंबर है दैट गिव्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है जो लाइंस होंगी दे आर इमेजिनरी, दे लाइंस आर इमेजिनरी, लाइंस होंगी वो इमेजिनरी होंगी। तो ये आप देखें कि ये आपने बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना यहाँ पे सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खुद एक एमसीक्यू हमारे पास है ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। एन एमसीक्यू इज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है जी, 3x स्क्वायर, जॉइंट इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर ठीक है। अब अगर ये जॉइंट इक्वेशन है तो विच टू इक्वेशंस ठीक है, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन, विच टू पेयर ऑफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग, ऑप्शन ए इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर सी इज 2y माइनस x इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन नंबर डी है विच इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसको ऑब्वियसली आप जो है मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मिड टर्म ब्रेक के थ्रू जैसे देखें ये भी तो यहाँ पे भी तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन के अंदर लेके आए थे, इस तरह आप यहाँ पे इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशन के अंदर लेके आएंगे। एंड व्हाट दोज इक्वेशंस आर, 7 3 2 6, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 1xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देख लें या अदर वे अराउंड क्या है कि जो भी देखें ऑपोजिट वे, ऑपोजिट रिवर्स इंजीनियरिंग भी है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, गेट एन आंसर ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ इसके अंदर, 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y ठीक है, सो वेयर इज x प्लस 2y, x प्लस 2y इज द फर्स्ट हाफ ठीक है, ये है। इस तरह अगर आप प्लस यहाँ पे, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे यू नो x प्लस 2y तो हो गया विच इज द ए पार्ट ए। अब देखिए मुझे यहाँ से एक क्लू मिल गया, इससे अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म से ठीक है, तो अगेन आई विल बी हैविंग x प्लस 2y, तो 3x प्लस y और x प्लस, दिस इज द ऑप्शन ए, तो देखिए ऑप्शन ए इज माई आंसर। तो अब बहुत इजीली मैं इस आंसर को डिटर्मिन कर सकता हूँ यहाँ से। इसी तरह हमारे पास जी एमसीक्यू है जी, द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल एंड कोइंसिडेंस और इमेजिनरी और परपेंडिकुलर। अब अगर आप देखें तो ये वो जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन ठीक है, जिनकी हमने अभी बात की। तो अब अगर आप 9x स्क्वायर को कंपेयर करें जस्ट टू फाइंड द कांस्टेंट्स 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है ठीक है, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by², सबसे पहले हम अननोन्स कैलकुलेट करेंगे ठीक है, आई मीन जो कोफिशिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 9, अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, यू कैन सी हियर ठीक है, और 2h इज इक्वल टू 24 व्हिच मीन h इज इक्वल टू 12
इस तरह बी इज इक्वल आ जाएगा 16। अब अगर बी स्क्वेयर और ए बी को हमने कंपेयर करना है, यू नो ग्रेटर है, लेसर है या इक्वल है, ठीक है, तो लिहाजा यहां पे मैं कैसे करूंगा, बी स्क्वेयर मेरे पास आ जाएगा, सॉरी एच स्क्वेयर, मैंने यहाँ पे बी स्क्वेयर लिख दिया, आई हैव टू कंपेयर एच स्क्वेयर, एच स्क्वेयर और ए बी को। अब एच स्क्वेयर क्या आता है, 12 का स्क्वेयर होता है 144 और ए बी 16 टाइम 9 इज अगेन 144। अब 144 इज इक्वल टू 144, दैट मींस दे आर इक्वल, अगर दे आर इक्वल है दैट मींस एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल जीरो, तो वो हमारे पास अगर आप देखें तो अगर एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इज इक्वल ए बी, दैट इज कोइंसिडेंस, ठीक है, रियल एंड कोइंसिडेंस। So I'll go for option number B. So my B will be answer. I will pick option number B. तो देखें किस तरह से आप जो है, अगर आपको आपको ये चीजें क्लियर हैं, थोड़ी क्रैम्ड हैं, तो आप ये चीजें, आप बहुत सारे MCQ बहुत जल्दी जो है टाइम सेव करते हुए उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।